नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूं, जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ जो प्रश्न है पूछा गया है, सभी इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आपको हमारी वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहना है। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है, और सभी क्वेश्चन जो है हमारा वन लाइनर है, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ सकें और जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपके माइंड में सेट हो जाए, यही हमारा उद्देश्य है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में करने वाला लगने वाला समय कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है मेमोरी एक्सेस टाइम। सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला जो समय है मेमोरी एक्सेस टाइम कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला है, वीजीए का फुल फॉर्म क्या है? तो वीजीए जो केबल होता है उसका फुल फॉर्म होता है वीडियोग्राफिक एरे, और पीडीपी का पूर्ण रूप है तो इसका पूर्ण रूप होता है प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। इसी प्रकार से केबीपीएस का पूरा नाम है किलोबाइट पर सेकंड। अगला है ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी को ही इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। पीरोम का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट जो आंसर है, इसका पूरा जो नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला है, प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम। अगला है EBCDIC का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरवेज कोड। तो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट रहता है, उसको आप ज़रूर से काफ़ी दिन सहायता से लिख करके ही याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। VDU का पूरा नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसी प्रकार से अगला है, CD-ROM का पूरा नाम सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वाल्व में लगी कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो सबसे पहली जो पीढ़ी के कंप्यूटर आते थे उस पर वाल लगे होते थे, और दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, और तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का। इसी प्रकार से चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। पहली पीढ़ी में वाल्व, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप, और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है मेन मेमोरी से। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? तो मेन मेमोरी में रखा जाता है। अगला है, स्टोरेज यूनिट क्या प्रोवाइड करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर में डेटा पैलेस प्रदान करता है। अगला है, किसी मेल में मौजूदा तारीख एंटर करने के लिए किस की को प्रेस किया जाता है? यानी कि जब आपको मेल में तारीख एंटर करना रहेगा तो आप किस बटन को दबाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम। अगला है, बीट किससे संबंधित है? तो बीट का जो संबंध है द्विधारी अंग से है। इसी प्रकार से अगला है, MDI का फुल फॉर्म मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। इसी प्रकार से अगला है, प्रिंटर हेड कितने पिन होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है 9 पिन, 24 पिन। 9 पिन वाले भी होते हैं और 24 पिन वाले भी होते हैं।
अगला है, पहला वेबकिन किस सन में आया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1991 में। अगला है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को किस पोर्ट से जोड़ते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है पैरेलल पोर्ट। मोडेम को जोड़ा जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा सीरियल पोर्ट। मोडेम को जोड़ा जाता है सीरियल पोर्ट द्वारा, और इसे सीरियल पोर्ट के माध्यम से बारकोड रीडर और डिजिटल कैमरे को भी जोड़ा जाता है। तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है, इसे जोड़ते हैं पैरेलल पोर्ट से, और मोडेम को जोड़ा जाता है सीरियल पोर्ट से। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ऑप्टिकल माउस से पहले कौन से माउस का प्रयोग किया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है, पहले ऑप्टिकल माउस की जगह बॉल वाले माउस होते थे। अगला प्रश्न है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है दो प्रकार, क्षमता के आधार पर और उपयोग के आधार पर। करेक्टर प्रिंटर एक सेकेंड में कितने चिन्ह छापता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 100 से 450। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, लाइनर प्रिंटर जो लाइन प्रिंटर है, एक सेकेंड में कितने लाइन छापता है? तो 200 से 2000 लाइनें छापता है। अगला है, सबसे ज़्यादा काम आने वाला करेक्टर प्रिंटर कौन से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉट मैट्रिक्स, इसी को इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। अगला है, कैरेक्टर्स का ऐसा नामित सेट होता है जिसकी विशेषता होती है टाइप स्टाइल। कैरेक्टर का ऐसा नामित सेट जो जिसकी विशेषता होती है टाइप स्टाइल। अगला है, पर्सनल कंप्यूटर के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है नेटवर्क के रूप में। पर्सनल कंप्यूटर को खाली स्थान के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है नेटवर्क के रूप में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 30 से 200 अक्षर एक सेकेंड में प्रिंट कर सकता है। और इसमें जो पिन होता है 7, 9, 14, 18, 24, तो इस प्रकार की संख्याओं में इसमें पिन लगा होता है। तो इसका जो स्थिर क्षमता है 30 से 200 अक्षर के बीच होता है, इसे आप याद रखेंगे। एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। अगला है, सॉफ्ट कॉपी एक अदृश्य आउटपुट है, तो हॉट कॉपी क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंटेड आउटपुट। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को खाली स्थान की कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है मॉडिफायर। अधिकांश प्रोडक्शन पर प्रिंटेड अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनें के पैटर्न को खाली स्थान कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है बारकोड। खाली स्थान डाटा की वह मात्रा जिससे स्टोरेज डिवाइस मीडिया के प्रति सेकंड कंप्यूटर तक मूव कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर है डाटा ट्रांसफर रेट। सेकेंडरी मेमोरी साइड मेन मेमोरी से बहुत बड़ी होती है, परंतु उसकी रफ्तार कैसी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है धीमा। सेकेंडरी मेमोरी साइड मेमोरी से बहुत बड़ी होती है, परंतु रफ्तार कैसी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है धीमा। अगला है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो यहाँ जो प्रक्रिया है इंस्टॉलेशन कहलाता है। जो प्रोग्रामों को कॉपी किया जाता है उसे इंस्टॉलेशन कहा जाता है। ई ई पी रोम की साइकिलिंग होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1000। इसी प्रकार से अगला जो है, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरण माना जाता है, इसका करेक्ट आंसर है हार्डवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डाटा को प्राधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच शेयर करता है, इसका करेक्ट आंसर है नेटवर्क।
अगला है छोटी फ्लॉपी की क्षमता कितनी होती है। इसका करेक्ट आंसर है 1.44 MB। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है, सूचना कहाँ जमा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है मेमोरी डाटा रजिस्टर पर। सूचना जो है मेमोरी डाटा रजिस्टर में जमा होती है। EPROM का क्या उपयोग है, तो इसका उपयोग है रोम के संदेशों को हटाता है और पुनः नए जो है बनाता है। सुपर कंप्यूटर में फ्लॉप्स की क्षमता क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है 500 MB। हार्ड डिस्क ड्राइव को खाली स्थान स्टोरेज माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थाई। हार्ड डिस्क ड्राइव को खाली स्थान स्टोरेज माना जाता है, नॉन वोलेटाइल। डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। इसी प्रकार से मेमोरी कैसे बनता है, तो लार्ज नंबर ऑफ सेल के द्वारा मेमोरी बनता है। रोम में स्थित प्रोग्राम को कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर है फर्मवेयर। कैश मेमोरी क्या है, कैश मेमोरी RAM रैम को कहा जाता है। मेमोरी डेटा रजिस्टर्ड को होल्ड करता है, इसका करेक्ट आंसर है ट्रांजिस्टर की संख्या को। इसी प्रकार से अगला है CD-ROM का उपयोग होता है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बीट। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की जो इकाई होती है बीट को कहा जाता है। इसी प्रकार से खाली स्थान सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्नेटिक। डॉस की विशेष उपयोग कहाँ होता है, डॉस की विशेष उपयोग ऑफिस में होता है। यदि आपका माउस चलने योग्य नहीं है तथा आपको अंडू ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो शॉर्टकट की आप क्या चुनेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है Ctrl+Z। इसी प्रकार से अगला है कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है, करेक्ट आंसर है Fortran। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा, इसका करेक्ट आंसर है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में।